दोस्तों जय हिंद। आज आपके लिए चलता हूँ जिला किन्नौर के खूबसूरत गांव नेसन की ओर, जो कि स्पिल्डो से 20-22 किलोमीटर दूर है। वो सामने नेशनल हाईवे 505 है शिमला से काजा की ओर, और राइट साइड को ये छोटा सा रोड गया है नेसन की ओर। सामने सतलुज नदी बहती हुई, और हम जो है इस पुल को क्रॉस करेंगे नेसन पहुंचने के लिए। ये यहाँ से टर्न है जी नेसन गांव के लिए। ये पुल जो है काफी पुराना लग रहा है, और इसे क्रॉस करते हुए अभी हमें यहाँ एक शिव मंदिर मिला है रास्ते में, और महादेव जी के दर्शन करेंगे। ये मेरे साथ फौजी भाई खड़े हैं, गंगा नेगी जी, और सामने सीमा है महादेव जी के मंदिर में। ये देखिएगा अंदर महादेव जी की मूर्ति लगी है। रास्ते में हमें 2-3 किलोमीटर चल के और एक पुल आया, कुछ इस तरह का नज़ारा है नेसन के रास्ते में। हरियाली काफ़ी कम है, रास्ते खतरनाक हैं। अब इस पुल को क्रॉस करेंगे, और सामने कोई छोटी सी नदी है जो कि नेसन गांव के करीब से आती है, या ये कहीं चाइना बॉर्डर से। और अभी हम यहाँ फोटो लेने के लिए रुके हैं। ये है जी मेरी टीम, शारदा, गंगा नेगी, और प्यारी सी बच्ची गुनू, शौर्य, सीमा और सुभद्रा। इस तरह से नंगे पहाड़ हैं, इस पर वेजिटेशन नाम मात्र की भी नहीं है। और इस रोड से हम आए हैं, और अब लेफ्ट होके ऊपर की ओर जाएंगे। शोर शराबे से बिल्कुल दूर आप यहाँ और आनंद लें ऐसी शांत जगह का। रोड जो है अभी अभी ये कुछ ही वक्त में मेटल हुआ है, साफ सुथरा रोड है, और सिंगल रोड है। आप आराम से चलें और प्रकृति का आनंद लें। नेसन गांव अब 3 किलोमीटर रह गया है, और ये पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ थोड़े से पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए संभल कर चलें। अब हम नेसन गांव के काफ़ी करीब आ चुके हैं। बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, ये काफ़ी ऊंची जगह में है ये गांव बसा हुआ, लगभग 3,500 मीटर समुद्र तल से। ये देखिएगा छोटी सी नदी, और इतना ख़तरनाक रास्ता। अभी हम इस रोड से सामने से आए हैं, और उधर को स्पिल्डो कानम का एरिया। इस तरह से खतरनाक रास्ते हैं,
आप बिल्कुल संभल कर चलें, ये शायद कानम या स्पीलो है या लाबरंग हो सकता है, हमें मालूम नहीं है, शायद ये कानम गांव है। खूबसूरत नदी, वो सामने निसंग गांव दिखने लग गया है। और ये है जी भाजी भाई की गाड़ी और ये मेरी गाड़ी। यहाँ पर भी थोड़ा सा खतरा है, इसलिए यहाँ संभल कर चले, पत्थर आ सकते हैं। निसंग गांव के करीब पहुँच चुके हैं। अब हम गांव में पहुंच चुके हैं। ये गेट है, ट्रेडिशनल गेट, जो यहाँ अपर किन्नौर में अक्सर ऐसे गेट पाए जाते हैं। जिला किन्नौर का सबसे सुंदर गांव निसंग। बस स्टैंड छोटा सा है क्योंकि यहाँ जगह कम है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ शायद एक ही बस आती होगी जैसा पता चला। ये नेगी साहब यहाँ के स्थानीय निवासी, साथ में प्यारा सा बच्चा था। अब हम गांव की तरफ चल पड़े। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे 3-4 किलोमीटर। एक माता का मंदिर है, ब्रह्मांगा माता, कुछ ऐसा प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचने की। ये सेब के बहुत ही सुंदर बगीचे, और यहाँ बहुत ही ख़तरनाक मोड़ है, गांव के बीच में बहुत टफ जगह है, यहाँ गाड़ी को निकालने में दिक्कत हो रही है। अब हम माता के मंदिर का रास्ता पूछेंगे, कोई मिलता है तो उनसे गाइडेंस लेंगे। ये यहाँ वाला की पार वाला है, यहाँ भी परिस्थितियाँ सीधा ऐसा है, पर जब ये जंगल क्रॉस करेंगे ना, वहाँ नाला आएगा ग्लेशियर ना, तो उसके बाद ये देखो पहुंचे तक ऐसा ऐसा रास्ता दिख रहा है। अभी टाइम कितना हुआ? 3 घंटे लग रहे हैं। 11:12, 1, 2, 3 बजे, 2 ठीक है, 4-5 बजे भी वापिस आएंगे तो आराम से। बहुत अच्छे मंगा तो चाबी पहुँच गए तो ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। मंदिर तो खुला होगा, मंदिर बंद है, लॉक होता है, चाबी बेटा जाएगा, चाबी ले जाएगा। क्या करना जाना? जाएंगे, सोच रहे हो पहले, टाइम है, चलो आगे तो माथा टेक। चलो सहनी खड़ी चढ़ाई नहीं है, सीधी सीधी नहीं तो चलेंगे, बड़े बड़े दिन से आप लोग कांगड़ा पहुंच रहे हो, हम उसे कांगड़ा चलेंगे। अभी हमें एक साथ मिले थे और उनसे हमने गाइडेंस ली। ये देखिए कितना सुंदर घर बनाया है, और उन्हें साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, बहुत ही मिलनसार और अच्छे व्यक्ति थे, साथ में उनके बच्चे भी थे। अब वो कह रहे हैं कि माता के मंदिर जाने के लिए अभी उनके पास चाबी नहीं है, वो कोई दीदी हैं, वो खेत गई हैं, इसलिए चाबी अवेलेबल नहीं है। अब हम ऐसे ही जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पहुँचते कि नहीं। आगे क्रॉस कर दिया है माता के मंदिर की ओर। ये है जी गुन्नू, क्यूट बेबी,
ये कुछ इस तरह का इन्होंने अपने धर्म के हिसाब बनाया है। गांव के सुंदर बगीचे से बगीचे विनय साहब जरा कंफर्म कर रहे हैं मंदिर के बारे में और आगे जाने रास्ते के बारे में। बर्फ से ढकी चोटियां, बहुत ही सुंदर गांव है और हरियाली देखिएगा। आप अगर किन्नौर आते हैं तो नेसन गांव अवश्य आए। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और अच्छे इंसान हैं। इस गांव में साफ सफाई किन्नौर में सबसे बेहतरीन है। आप जरूर आए निसंग गाँव और प्रकृति का आनंद लें, लोगों से मिलें। ये ग्लेशियर पॉइंट है जी, यहाँ अभी मई का महीने में ही ग्लेशियर दिख रहा है, जनवरी फरवरी में तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये मेरी टीम पहुंच चुकी है जी, अब हम जो ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं। बहुत ही ठंडा पानी, नेचुरल वाटर। ये फौजी भाई जो है यहाँ पर भी लोग हम सबको लीड कर रहे हैं। चलते हैं ग्लेशियर की ओर। शौर्य सबसे पीछे रह चुका है। ये खतरनाक नारा है जी और यहाँ रोड जो है काफी दब चुका है ग्लेशियर पॉइंट पे। नेसन गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे निसंग गांव में हमें जो भी व्यक्ति मिले, बहुत ही मिलनसार और अच्छे व्यक्ति मिले, सब ने हमें गाइड किया और बहुत ही बेहतरीन गांव है, साफ सुथरा एकदम। आप वीडियो में बने रहें, मैं गांव का पूरा दृश्य जो है सामने पहाड़ी से दिखाता हूं। अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, माता के मंदिर की ओर जा रहे हैं और वहीं से जो है बेहतरीन दृश्य दिखेगा गांव का। अब आपको जो है वेजिटेशन मिलना शुरू हो जाएगी आगे जाके, देखिए चारों ओर हरियाली आने लग गई है और फिर से एक जो है स्तूप टाइप में कुछ यहाँ बना है। अपर किन्नौर में आपको हर जगह मिलेंगे। गांव से 2-3 किलोमीटर दूर और यहां से मैं आपको गांव का दृश्य दिखाऊंगा। ये कुछ गेट सा बनाएंगे। ये है जी निसंग गांव का वास्तविक दृश्य, मनमोहक और बहुत ही सुंदर, हरियाली ही हरियाली। बहुत ही सुंदर तरीके से खेत बनाए गए हैं और यहाँ सेब के बगीचे लगाए गए हैं, साथ में शायद RTVP की पोस्ट भी है यहाँ पर और ऊपर की ओर स्कूल होगा। ये इधर ITU पोस्ट सामने दिख रही है और स्कूल का ग्राउंड दिख रहा है।
यहाँ से भी चाइना बॉर्डर काफ़ी करीब है, इसलिए यहाँ ITV जो है तैनात है। नेसन गांव और आगे इस तरह से दिखता है गांव। चपाती, सब्जी, दही, चाय, रायता। वो भी नेशन की धान में। चलो, सीधा। फिर हम रास्ते में खाएंगे, है ना? नमक लगा। अभी हमने यहाँ भोजन किया, क्योंकि यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ लाना होगा या आप किसी के मेहमान जा सकते हैं। और इस तरह का नज़ारा। अब हम माता के मंदिर के लगभग आधा डिस्टेंस रह गया है, कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचने की, देखते हैं मन पाते कि नहीं। सामने जो दूर चोटी है उसके आगे शायद चाइना है, लेकिन इधर को पॉपुलेशन नहीं है, लोग अब आगे नहीं रहते हैं, सिर्फ माता का मंदिर है सामने। इस तरफ कहीं माता का मंदिर है, ये दिख रहा है थोड़ा सा, और काफ़ी दूर है चलने को, हम कोशिश करेंगे तो पाते ही नहीं। क्योंकि हमें 2-3 घंटे चलते हुए हो गए हैं। अद्भुत नज़ारे हैं, शहर की भीड़ बाहर से दूर एकदम शांत क्षेत्र। शिमला से लगभग 400 किलोमीटर दूर दाई ओर को बसा है सुंदर गांव नेसन। अब हम वापस आ गए हैं, किंतु वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, ये बच्चे थक गए थे। ये है जी प्यारी सी बिटिया गुन्नू। और अब हम कोशिश करेंगे कि दूसरे टूर में माता के मंदिर जरूर जाएं। हम जो है नेसन गांव के करीब वापस आ गए हैं, नेसन से काफ़ी आगे वापसी की ओर। यहाँ हमने आपको मंदिर दिखाया था। बहुत ही प्यारे बच्चे गुन्नू और शौर्य।